हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की एक और नई वीडियो में। और ये हमारी दुल्हन 2 महीने पहले शादी में आए थे तो दिव्या के घर, हाँ याद होगा। और कल हम लोग दीपक जी की शादी से डायरेक्ट यहीं आ गए थे, दिव्या जी के ससुराल मतलब मिस्टर बड़वानी के यहाँ। अभी हम कहीं जा रहे हैं तो आगे आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये देखो, मिस्टर बड़वानी कुणाल जी ड्राइव करेंगे, बाकी सब चिल्लर यहाँ बैठेंगे। हम सब चिल्लर ही हुए ना। चलो चलो, तो हमको जहाँ जाना था वहाँ के लिए तो हम निकल चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको मिला देते हैं। किससे मिलाते हैं, कौन है? सौरभ जोशी से। थोड़ा इधर मुड़िए सर, सर। अरे सर प्लीज, बहुत भाव खा रहे। अरे देख लीजिए, अरे देख लीजिए, ये देखो। वैसे हम बता देते हैं ये कौन है। ये हैं कुणाल जी के भांजे हैं और इनका नाम हर्षित है। ये थोड़ा थोड़ा अभी ऐसे दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग सारे लोग अभी इनको बोल रहे हैं, तो माइंड मत करिए, थोड़ा मजाक कर रहे हैं। चलिए बड़वानी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। अच्छा इधर चलना है, इधर जाना है। मिस्टर बड़वानी का, मिस्टर बड़वानी का सेकंड घर है, हम यहाँ जा रहे हैं। ये हमारी दिव्या का सेकंड ससुराल। हम दिव्या के ससुराल घूम रहे हैं आजकल। आइए हम आपको फॉलो मी। चलिए चलिए, धन्यवाद। हाय, और कैसे हो? हम भी बढ़िया है। आप आए ही नहीं। तो ये देखो, ये है सोनू ठाकरे, जिनसे मिलने के लिए हम काफी दिन से सोच रहे थे। पिछली बार आए थे तो मिल नहीं पाए थे, इस बार हमने सोचा चलो मिल लेते हैं। इंस्टाग्राम पे बात भी हुई थी। आ जाइए आ जाइए। यहाँ कोई नहीं शरमा रहा, बस ये शरमा रहे। अरे ये क्यूटू, ये जब आए थे कितना बोल रहा था। तन तन, हाँ चलिए चलिए। स्टेटस पर देख रही थी मैं, सभी डाल रहे एक जैसे, कोई व्लॉग डाल रहा है, कोई स्टेटस डाल रहा है, कोई स्टोरी दी। यहाँ तो ज्यादातर सब डांस इधर बहुत होता है, बहुत नाचते शादी वादी। बहुत सारे लोग गए होंगे, मैंने अंदाजा ही लगाया था। मैं बहुत सारे लोग गाड़ियाँ देखी मैंने। हाँ, वो जीतू भैया ने डाला था स्टेटस, क्या बोलते हैं वो स्टूडियो वाले है ना, फोटोग्राफर भैया, उन्होंने डाला था कितनी सारी गाड़ियाँ। बाप रे बाप, तूफान बोलो ये, हाँ। और वो मारुति वैन, अल्लाह कितनी सारी गाड़ियाँ आई थी। हम और फर्स्ट टाइम इतनी भीड़ देखे, हमारे यहाँ मेले में इतनी भीड़ होती है। दीपक तो खुद नहीं जानता था कौन कौन आया। हाँ सही बात है, जिनको नहीं बुलाया होगा वो भी गया होगा। अरे क्या वो इनविटेशन कार्ड इन सब की स्टोरी में डाल रहे, तो हमको भी बहुत सारे लोग टैग करे। हमने बोला अगर हम भी डालेंगे तो लोग हमारे पास मैसेज करेंगे कि आप बुला रहे हो, तो हमने इसलिए ना अपनी स्टोरी में नहीं डाला था। सही बात, क्योंकि अभी हम इधर के होते तो हम डाल देते, हम उधर के थे इसलिए हमने नहीं डाला। वो बता भी रहे थे कि इधर क्या होता है, लोगों को इनवाइट नहीं करना होता, वो ऐसे ही बोल देते। वो तो आ जाते हैं, वो मॉर्निंग में स्टोरी में उन्होंने डाला था कि हाँ आज हमारे यहाँ ये है तो आप सबको आना है, तो लोग उससे भी आ जाते, बहुत दूर दूर से आ जाते। पता चल गया कि वहाँ डीजे है या फिर शादी है, वो तो ये कार्यक्रम होने वाला है, कुछ नाच गाना होने वाला है, दो बजे तक बहुत दूर दूर से आ जाते हैं। 4 बजे तक तो वो लोग नाचे, तो दीपक सोया हुआ था, उसको उठा के लाए 5 बजे, डीजे वापस चालू करो, 4 बजे बंद कर दिया, 5 बजे वापस चालू करो। दूल्हे की तो हालत ही खराब कर दी होगी। मेन शादी जो होती है वो कोई नहीं देखता, बस यहाँ पे वो नाचना बोल रहे थे, डीजे देखने आते थे कोई कितना बड़ा डीजे है, कौन सा डीजे है, कितना बजता है। थोड़ा सा आपकी हेल्प करते, अभी लाइट भी गई, मुझे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे इसकी लाइट जल गई है। आप थोड़ा बताते जाओ कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, क्या पता हमारे तरफ अलग चाय बनती हो। मैं कहने वाला था इसमें बनाते, देखिए कंचन बना रही है, हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म चाय सबके लिए। निमाड़ में मीठी चाय फेमस है, कौन कौन सी मीठी चाय? ये खा भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, बोलते भी वैसे सब टाइप के मिलेंगे इंसान। हम बोलते हैं ना कि निमाड़ में लोग ज्यादा मीठा खाते हैं और मीठा उससे भी ज्यादा मीठा बोलते हैं, हम उससे भी मीठा चाय बोलते हैं। बाप रे बाप, क्या यार लाइट भी ऐसे टाइम पे हो गई। अरे कोई नहीं, पूरा दूध गिरा दे इसमें, गरम कर लो पूरा। हाँ हाँ पूरा पूरा। हमारे यहाँ चाय ऐसी बनती है, पास में लाओ, पहले हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसमें चाय पत्ती अदरक
इलायची जितनी भी चीजें डालनी होती है वो डाल देंगे। ये बॉयल होगा, जब इसमें थोड़ा सा मतलब पहली उबाल आ जाएगी तब इसमें डालेंगे दूध और उसके बाद डालेंगे शक्कर जो सब में प्यार घोलता है। ये क्या है? शक्कर। शक्कर बाद में डालेंगे। और ये चाय पत्ती है। चाय पत्ती। हम कितने हैं? छह हैं क्या? छह लोग हैं। कंचन दीदी चाय बना रही। अरे वाह, आज कंचन दीदी चाय बना रही है और पिलाएंगी, टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे छोटे सौरभ जोशी दिखाओ यहाँ पास में, देखो चाय पहली उबाल आ गई है, अब इसमें हम डालेंगे दूध। गरम हो रहा है। कुछ है पकड़ने के लिए? किससे पकड़ेंगे? किसे पकड़ेंगे? ये है ना, इससे ये गिरेगा ना। गरम हुआ उसको देखना आपने, इससे पकड़ो। काफी देर तक बैठे, कितने घंटे बैठे हम? तीन घंटे तो हो ही गया होंगे शायद। खूब देर से बातें बातें कर रहे हो और पता ही नहीं चला टाइम का, पता ही नहीं चला। बातें अच्छा लगा हमको कंचन से मिल करके। बहुत थैंक यू कि आप मुझे स्पेशल मिलने के लिए आए। अरे हम तो पिछली बार भी चाह रहे थे कि आपसे मिले, अब आप हमारे यूपी आइए, हम सबको इनवाइट करके जा रहे हैं। जितने भी लोग आए, कितने घंटे हो गए हम लोग को सोच रहे इनको आप पहचान रहे होंगे, हम इनकी शादी में आए थे, पूरी सीरीज बनाई थी हमने। वैसे अभी इनके चैनल पे ये काफी अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं मिस्टर बड़वानी के, तो जाइएगा। आपका भी चैनल है ना? सोनू ठाकरे ऑफिशियल। तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग जाइएगा, देखिएगा, मजा आएगा। और बाकी तो ये सब तो ये चिल्लर है। हाथ जोड़ा था ना कैमरे के पीछे, ये खड़ी बीवी को देख के सभी नहीं यार जिसकी भी होगी वो समझ। ऐसा नहीं है, हमारी दिव्या वो सीधी है, बहुत क्यूट है। अभी ये लोग ना बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहे, मतलब कॉमेडी वाले, तो आप चैनल पे जाइएगा तो आपको मजा आएगा। और इंस्टा पे भी हमने यूपी वाली चाय बना के पिलाई थी, अच्छी लगी थी, बहुत मस्त लगी थी। यूपी वाली चाय पीने के लिए यूपी आए। बाय, ध्यान रखिएगा अपना। हाँ, थैंक यू। चलो तो भाई, सोनू जी से मिले, काफी अच्छा लगा, काफी देर तक हम लोग बातचीत किए। और आप निकल रहे हैं यहाँ से, हमारे मिस्टर मिसेस बड़वानी आगे आगे निकल गए, हम हमेशा पीछे रह जाते हैं, जानते हो हर जगह कैमरा पकड़े रहते हैं तो सब आगे चले जाते हैं, पीछे ही रह जाते हैं। हम आपको वेट कर रहे हैं। अच्छा, वेट कर रहे हैं, ये देखो। और पांच नंबर और चार वन नंबर है। और ये मामा भांजे है तो इसलिए थोड़ी मस्ती हो रही है। बैठे क्या बोल रहे? मैंने इसको बोला कि इसकी एक आग पांच नंबर, एक नाक एक नंबर के था, ये बोलना जरूरी था उसको। क्या इमेज रह गई? अरे हमने बोला ना मामा भांजे, मजाक कर रहे। अरे इसकी ऐसे भी कोई इमेज। अभी हम लोग वापस आ गए हैं घर पे, ये देखो दिव्या के ससुराल में मिट्टू तोता भी है। बोलो, हाँ बोलो बोलो, थोड़ा मिट्टू रोटी खाया बोलता है वो। मिट्टू रोटी खाया? मिट्टू रोटी खाया बोलो। ये देखो, ये बोलने वाला तोता है। तो भाई अभी हम सोनू जी से मिलके आए और खूब सारी बातें की, खूब टाइम तक रुके, काफ़ी अच्छा लगा मिलके। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको हमारा ये वाला व्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हमारे और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम चाहते हैं इसी महीने हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो जाएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।